चाय. थैंक यू. यू वेलकम. मुजैफस हो गया. सारा वक्त उछल कूद करता रहेगा, इतनी शरारतें करेगा तो सोएगा ही ना. ये जाहिर है, प्रिंस है हमारा, खेलेगा कूदेगा तो सही, तुम्हें क्यों एतराज है? अच्छा, क्योंकि संभालना मुझे पड़ता है. अच्छा 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 अच्छा. तो अब तुम एक काम करो कि तुम हर संडे आराम कर लिया करना, मैं अपने बेटे के साथ कहीं तफरी पर निकल जाया करूं. वाह, क्या आइडिया दिया है आपने. यानी कि आप तफरी करें और मैं आराम. वाह जी वाह. भाई अभी तुमने खुद ही कहा है ना कि मेरा बेटा तुम्हें तंग करता है. अच्छा है ना, तुम आराम कर लिया करना. आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अनीशा मेरा बहुत ख्याल रखती है. वैसे भाभियों को अक्सर अपनी नंदों से शिकायत रहती है, लेकिन तुम पहली हो जो मेरी बहन की इतनी तारीफ करती है. अब वो है ही इतनी अच्छी. तुम भी बहुत अच्छी हो ना, क्योंकि अपनी फैमिली के लिए तो शायद दुनिया की हर औरत ही कुर्बानी देती है, पर तुमने मेरी बहन की खुशी के लिए खुद को कुर्बानी देने पर राजी किया. शायद अल्लाह नहीं मेरे दिल में ये सब कुछ डालती है, वरना शायद ये स्टेप लेना मेरे लिए भी इतना आसान नहीं होता. और मैं हमेशा पूरे दिल से तुम्हारी इस कुर्बानी की इज्जत करता रहूंगा. मुझे इस बात का पूरा यकीन है मुझे, और खुशी इस बात की भी है कि हम अपनी बहन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दे सकते हैं, उसे खुशी दे सकते हैं. जानते हैं वजी, बच्चे की खबर सुन के जितने खुश हम दोनों हैं ना, ठीक वैसे ही वो भी उतने ही खुश थे. उसकी आंख से निकला हुआ एक एक आंसू, उसका एक एक कतरा इस बात की गवाही दे रहा था कि उसने अपने दिल में बहुत ममता छुपा रखी है. थैंक यू. तुम्हारी जैसी बीवी मिलने पर मुझे बहुत फख्र. मैं अक्सर शिकायत करता था कि मेरी बहन, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, उसके साथ ये इतनी आजमाइशें क्यों. लेकिन तुमने मुझे, मुराद और अनीशा को इस अजियत से निकाल लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच. यू वेलकम. कभी कोई ढंग की चीज भी बना लिया कर, दाल ही रह गई है. तेरी अंगूठी कहाँ है? होगी यहीं कहीं. अरे रोहे, तो कितनी नाशुक्री है और लापरवाह भी. पता है, झाड़ू देते वक्त जमीन से मिली थी मुझे, देख, और संभाल के ना अपने पास रख ली थी कि देखूं तो सही तुझे परवाह है भी कि नहीं. ले पकड़. देखो तो हीरे लगे हैं. अरे मेरा भांजा जितने प्यार और खुलूस से लेकर आया था ना, हीरे जवाहरात से ज्यादा मोल है इसका. बस कर माँ, इतनी भी कोई कीमती नहीं है. बेशक कीमती ना हो, मगर इस रिश्ते में बहुत वजन है. और देखना, अब वो मुआ इरफान भी ना जान छोड़ देगा. अल्लाह, इस वक्त कौन आ गया? चल जा, तू अंदर जा, मैं देखू. जा ना, मैं देखती हूँ. जा, 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 चल जा, और दरवाजा अंदर से बंद कर ले.